every step only. Won't you just see right through me? On the dying days when I ask for a week. Hello friends, welcome back to my YT channel. तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi 8, Redmi 8A या Redmi 8A Dual के इंडिया यूज़र हैं तो फिर आज मैं आपको Redmi 8 और Redmi 8A के MIUI के 12.0.4.0 के इंडिया स्टेबल अपडेट की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि हमें Redmi 8 और Redmi 8A में इंडिया में MIUI का 12.0.4.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको Redmi 8A Dual की भी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमें Redmi 8A Dual में MIUI का 12.0.5.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi 8 की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास Redmi 8 है तो फिर आपको पता है कि आपके Redmi 8 में अभी MIUI का 12.0.3.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट का साइज आपको 438 MB का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और फ्रेंड्स, ये वाला अपडेट Redmi 8 के लिए फुल्ली रोल आउट भी हो चुका है, ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है Redmi 8 इंडिया यूजर्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये वाला जो अपडेट है ये हमें 9th ऑफ जून को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि Redmi 8 में MIUI का 12.0.4.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, Redmi 8 में हमें MIUI का 12.0.4.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, Redmi 8 में हमें MIUI का 12.0.4.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अगस्त से सितंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें Redmi 8A में हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर फ्रेंड्स, हमारे Redmi 8A में अभी MIUI का 12.0.3.0 का Android 10 पे बेस्ड QCP INXM ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है, और इस अपडेट का साइज़ Redmi 8A यूजर्स को 370 MB का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। और फ्रेंड्स, ये वाला अपडेट Redmi 8A के लिए फुली रोल आउट भी हो चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें Redmi 8A में MIUI का 12.0.4.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, Redmi 8A में भी हमें ऑफिशियली MIUI 12.0.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अगस्त के एंड तक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है Redmi 8A इंडिया यूजर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन थी कि Redmi 8A में अब हमें MIUI 12.0.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो अपडेट है ये अपडेट भी हमें 9th ऑफ जून को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था MIUI का 12.0.3.0। तो फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट अपडेट Redmi 8A में भी 9th ऑफ सितंबर तक देखने के लिए मिल सकता है MIUI 12.0.4.0, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं Redmi 8A Dual की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi 8A Dual के इंडिया यूज़र हैं तो फिर आपको पता है कि हमारे Redmi 8A Dual में अभी MIUI का 12.0.4.0 का QCQ INXM इंडिया स्टेबल अपडेट रन कर रहा है, और इस अपडेट का साइज Redmi 8A Dual यूजर्स को 389 MB का देखने के लिए मिल जाता है,
जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में हमें रेडमी 8 डुअल यूजर्स को ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूस सिस्टम लैग का भी देखने के लिए मिल गया था। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट रेडमी 8 डुअल यूजर्स के लिए फुल्ली रोल आउट हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये अपडेट भी हमें Redmi 8 Duel के लिए 9th ऑफ जून को ही रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुका था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब हमें Redmi 8 Duel में एक MIUI का 12.0.5.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट हमें सितंबर के महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होगी Redmi 8 Duel इंडिया यूजर्स के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, Redmi 8 Duel का वर्जन Redmi 8 और Redmi 8 से थोड़ा सा आगे चल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक सी बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी Redmi 8, Redmi 8, Redmi 8 Duel के नेक्स्ट अपडेट की फुल इन्फॉर्मेशन की हमें Redmi 8 सीरीज़ यानी कि Redmi 8, Redmi 8 और Redmi 8 Duel में हमें नेक्स्ट अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि Redmi 8, Redmi 8 और Redmi 8 Duel के MIUI के 12.5 के आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमें Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 12.5 कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं Redmi 8, Redmi 8, Redmi 8 Duel के MIUI के ऑफिशियली MIUI 12.5 की इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आया कि हमें Redmi 8, Redmi 8 और Redmi 8 Duel के MIUI के 12.5 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमें केवल यही पता है कि हमसे एक पायलट फॉर्म फिल करवाया गया था और उसमें हमें Redmi 8, Redmi 8 और Redmi 8 Duel का नाम देखने के लिए मिल गया था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि हमें Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 12.5 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, Redmi 8 सीरीज़ की अभी तक हमें एक्सेप्टेड मंथ भी नहीं पता है कि हमें इसमें MIUI 12.5 कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग यही है कि हमें Redmi 8, Redmi 8 और Redmi 8 Duel में हमें MIUI 12.5 अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होगी Redmi 8 सीरीज़ के लिए। तो फिर फ्रेंड्स, यही थी इन्फॉर्मेशन कि हमें Redmi 8, Redmi 8, Redmi 8 Duel में हमें ऑफिशियली MIUI का 12.0.4.0 और MIUI का 12.0.5.0 Redmi 8 Duel के लिए हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम कि अभी तक हमारे पास Redmi 8 सीरीज़ के MIUI के 12.5 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सामने निकल के नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me on the dying days when I ask for it?